हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अशफाक और आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथिक मेडिसिन के ऊपर। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन जो है सिम्टम बेस्ड है। इसमें कुछ हम सिम्टम्स बताएंगे और उस सिम्टम्स के हिसाब से किसी एक प्रॉब्लम की अलग अलग मेडिसिन जो है वीडियो में बताई जाएंगी। और ये वीडियो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के ऊपर या सिम्टम बेस्ड होम्योपैथिक मेडिसिन के ऊपर हर संडे को, एवरी संडे जो है ये वीडियो अपलोड किया जाएगा आप लोगों के लिए। और ये जो मेडिसिन्स होंगी, सिम्टम बेस्ड जो मेडिसिन्स हैं, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन्स होंगी, क्योंकि यूट्यूब पर आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स जो है ज़्यादातर एक जनरल मेडिसिन्स बताते हैं, लेकिन जो जनरल मेडिसिन्स होती हैं वो हर एक के ऊपर काम नहीं करती। सिम्टम जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है होम्योपैथिक मेडिसिन को सेलेक्ट करने के लिए। YouTube पे जो भी वीडियो डालते हैं, हम भी अगर डालते हैं तो एक जनरल मेडिसिन बताते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि ये किसी के ऊपर काम नहीं करेंगी, काम तो ये मेडिसिन करती हैं, लेकिन स्पेसिफिक अगर आप किसी भी सिम्टम को लेंगे, किसी भी प्रॉब्लम के, उसके हिसाब से अगर आप मेडिसिन को यूज़ करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट इसमें मिलेंगे। आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन अगर जानना चाहते हैं, अगर इन सिम्टम में से आपको जो बताए गए उसमें आपको लगता है कि हमारा सिम्टम कोई भी किसी भी जो मेडिसिन है उसमें नहीं मिल रहा, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपने जो भी सिम्टम्स हैं उसको लिखकर अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन या सिम्टम बेस्ड मेडिसिन जो है हमसे जान सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, हर संडे को एक वीडियो जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन या सिम्टम बेस्ड मेडिसिन के ऊपर अपलोड की जाएगी हमारे इस चैनल से। तो पहला जो हम प्रॉब्लम इसमें ले रहे हैं, जो पहली बीमारी जिसको कहें या प्रॉब्लम कहें, वो है एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द का होना। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और इसके कॉज अलग अलग होते हैं, इसके सिम्टम्स भी जो हैं अलग अलग होते हैं। तो पहला जो सिम्टम है, सिम्टम नंबर वन, वो है वायलेंट पेन। अगर आपके पेट में बहुत तेज़ दर्द होता है और पेट को दबाने से, जहाँ पर आपके दर्द हो रहा है अगर आप उसको प्रेस करते हैं, ऊपर से दबाते हैं या कोई और चीज़ हार्ड चीज़ वहाँ पर रखते हैं, तो उससे आपको जो है आराम मिलता है। तो दो सिम्टम मैंने बताए, एक तो दर्द बहुत तेज़ी से होगा, अचानक होगा, और आप वहाँ पर अगर दबाएंगे उसको, हाथ से भी अगर दबाएंगे तो आपको आराम मिलेगा। और ये जो दर्द होता है, ये आपका जो अम्बिलिकल रीजन होता है, जो नाभि होती है उसके आसपास में ये दर्द होता है। तो इस तरह के अगर सिम्टम आपको होते हैं पेट दर्द के, तो होम्योपैथिक मेडिसिन कोलोसिंथ 30 आप यूज़ करें। होम्योपैथिक मेडिसिन कोलोसिंथ 30, इसकी दो दो ड्रॉप आप डायरेक्टली टंग के ऊपर दिन में 3 बार लें। तो पहले ही डोज में अगर इस तरह का सिम्टम है तो आपको जो है रिलीफ मिलेगा। 2-3 दिन इसको यूज़ करेंगे तो पूरी तरह से आपकी प्रॉब्लम जो है ठीक होगी। अब जो दूसरी होम्योपैथिक मेडिसिन है, उसका जो सिम्टम है उसमें है कि आप अगर खाना खाते हैं और खाना आपके पेट में इस तरह से लगता है जैसे कोई पत्थर आपके पेट के अंदर रखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि पेट में अगर आपके भारीपन रहता है, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है, दर्द के साथ आप भारीपन महसूस करते हैं, और आपका जो स्टूल है, आपका जो मल है, वो बहुत हार्ड है, कॉन्स्टिपेशन है आपको, बहुत ज़्यादा कब्जियत रहती है, और इसके साथ आप जो है कोई भी काम करने आपका दिल नहीं करता, चलने के लिए आपका दिल नहीं करता, आप कोई एक्टिविटी करने के लिए दिल नहीं करता, आपका जो जी चाहता है वो कि आप एक जगह पर लेटे रहें। तो इसमें जो मैंने सिम्टम्स बताए, पेट में दर्द है और जो आप खाना खाते हैं वो आपको इस तरह से लगता है जैसे पेट में बहुत ज़्यादा भारीपन है खाना खाने के बाद, स्टूल मल जो है बहुत ज़्यादा हार्ड है, कॉन्स्टिपेशन है, और डिज़ायर है आपको कि एक जगह आप लेटे रहें, इस तरह के अगर सिम्टम्स हैं तो होम्योपैथिक मेडिसिन ब्रियोनिया 30 आप लें, 2-2 बूंदे दिन में 3 बार, 1-2 दिन में ही आप देखेंगे आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अगर सिम्टम बिल्कुल इसी तरह से मैच करते हैं तो पहली डोज में ही आपकी ये प्रॉब्लम ठीक होगी। इसके बाद जो तीसरा सिम्टम है, शूटिंग पेन है, चुभन वाला पेन है, जैसे किसी ने आपको कोई चीज़ मार दी, जैसे पत्थर किसी को कोई मारता और एकदम से दर्द होता है, इस तरह का अगर आपके पेट में दर्द है और उसके साथ आपको कुछ मेंटल प्रॉब्लम है,
हिस्टेरिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है, हिस्टीरिया दौरे टाइप के आपको पड़ते हैं, या एंजाइटी रहती है आपको, डिप्रेशन रहता है, फियर रहता है। तो जिन लोगों में इस तरह की मेंटल प्रॉब्लम है और उसके साथ उनको पेट में भी दर्द होता है, मेंटली वीक हम कह सकते हैं जो लोग होते हैं, दिमागी तौर पे जो कमज़ोर लोग होते हैं और उनके अगर पेट में दर्द होता है तो होम्योपैथिक मेडिसिन इग्नेशिया 30 आपको दो दो बूंदे दिन में 3 बार लेना है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट सिम्टम है वो है स्टिचिंग पेन, सुई के चुभने जैसा अगर आपको दर्द होता है और चलने से या मूवमेंट से दर्द जो है बढ़ जाता है, बैठने से दर्द में आराम मिलेगा, चलने से जो है दर्द में आपको तकलीफ होगी या दर्द बढ़ेगा, और लड़कियों में या लेडीज़ में जो उनके पीरियड्स होते हैं उससे पहले ये दर्द बढ़ जाता है, या हम कह सकते हैं कि पीरियड से पहले का जो दर्द होता है उस तरह के अगर सिम्टम्स हैं कि दर्द इस तरह से होगा जैसे कोई चीज़ चुभ रही है, और दूसरी चीज़ है चलने से या मूवमेंट करने से वो दर्द बढ़ता है, और जो पीरियड्स होते हैं जो मेंसेस होते हैं उससे पहले ये दर्द जो है बहुत ज़्यादा होता है, तो होम्योपैथिक मेडिसिन काली कार्ब आप 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार ले लें, सुबह दोपहर शाम, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। इसके बाद जो एक और सिम्टम है कि आपको जो पेट में दर्द है और दर्द इस तरह से जैसे आपको कोई चाकू से काट रहा है, इतनी तेज़ी का दर्द होता है और ये दर्द एकदम खाना खाने के एकदम बाद होता है, तो ये सिम्टम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि कुछ लोग क्या जब वो खाना खाते हैं तो खाना खाते हुए या खाना खाने के बाद ही एकदम से उनके पेट में बहुत तेज़ का दर्द होता है, और इस तरह से होता है जैसे कोई अंदर से काट रहा है, इस तरह का दर्द बहुत तेज़ होता है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन काली बाइक्रोमिकम जिसको कहते हैं, काली बाइक्रोमिकम 30 पोटेंसी में दो दो बूंदे 3 बार दिन में लेंगे तो इस तरह के सिम्टम से आपको रिलीफ मिलेगा। इसके बाद जो एक और सिम्टम है कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा गैस बनती है और वो गैस जो है बहुत ज़्यादा पास भी होती है, उनको बार बार जो है गैस पास होती है, और ये जब मिर्च मसाले वाली चीज़ें खाने से प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ती है, जो लोग जो है फैटी फूड खाते हैं जिसमें फैट ज़्यादा, तले हुए जो खाने फ्राइड आइटम्स होते हैं वो खाते हैं, या जिसमें मसाला ज़्यादा होता है इस तरह के आइटम खाते हैं, और इस तरह के आइटम्स खाने के जो जैसे शादी में अगर आप गए या कहीं पार्टी है वहाँ पर आपने स्पाइसी खाना कोई खाया है, फ्राइड आइटम्स वहाँ पर खाया जिससे आपको बहुत ज़्यादा गैस बनी और ये गैस पास भी हुई, और गैस पास होने के बाद दर्द आपका और ज़्यादा बढ़ गया, इस तरह के अगर सिम्टम्स आपको महसूस होते हैं तो होम्योपैथिक मेडिसिन पल्सर टिल्ला 30 होम्योपैथिक मेडिसिन की दो दो बूंदे आपको दिन में 3 बार लेना है, आप लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट इससे मिलेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट सिम्टम है वो अगर आपके पेट में ऊपर की तरफ जो अपर एब्डोमेन है वहाँ पर दर्द है, बहुत ज़्यादा दर्द है, उसके साथ में जो स्टूल्स हैं वो हार्ड हैं, कॉन्स्टिपेशन है, सिम्टम आप ध्यान में रखें कि कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज है, स्टूल हार्ड है, लेकिन दर्द जो है वो ऊपर की तरफ है, जो लीवर एरिया कह सकते हैं या बीच में रिप जो होती है हमारी पसली उसके नीचे अपर पोर्शन में एब्डोमेन के जो दर्द है, तो होम्योपैथिक मेडिसिन ग्रेफाइट 30 आपको लेना है, दो दो बूंदे दिन में 3 बार, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट इस मेडिसिन से आपको मिलेंगे। इसके बाद अगर पेट में सामने की तरफ दर्द होता है आपको, फ्रंट पोर्शन ऑफ एब्डोमेन जिसको कहते हैं, और साथ में आपको नोजिया की फीलिंग आती है, वॉमिट की फीलिंग आती है, जी मिचलाता है, ऐसे लगता है जैसे आपको उल्टी आने वाली है, और आपके पेट में दर्द है, दर्द के साथ अगर वॉमिट फील होता है या आपका जीभ मिचलाता है, और साथ में अगर आप अपनी जीभ देखते हैं शीशे में जीभ निकाल के तो वो बिल्कुल क्लीन है, उसके ऊपर कोई भी आपको कोई परत नहीं मिलेगी, एकदम साफ जीभ होगी, इस तरह का अगर सिम्टम आपको दिखाई देता है तो होम्योपैथिक मेडिसिन ईपेकाक 30 दो दो बूंदे 3 बार ले लें, आपकी प्रॉब्लम जो है 100% ठीक होगी। इसके बाद अगर जो लोग बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, ओवर ईटिंग जो लोग करते हैं और एक जगह बैठ के ही काम करते हैं, तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो बहुत ज़्यादा खा लेना, कभी कभी भूख से ज़्यादा आदमी खा लेता है, कोई टेस्टी चीज़ होती है, स्पाइसी फूड हुआ या इस तरह का मिर्च मसाले ज़्यादा हुए, टेस्ट ज़्यादा उनको लगा, या बाहर की चीज़ उन्होंने खाई वो ज़्यादा खा ली, और सेडेंट्री हैबिट है उनकी, एक जगह बैठ के काम करते हैं, तो इस तरह के सिम्टम जिन लोगों को है तो होम्योपैथिक मेडिसिन नक्स वोमिका 30 3 बार ले लें दिन में, प्रॉब्लम आपकी क्योर होगी। तो ये मैंने
एब्डोमिनल पेन जो पेट में दर्द होता है उसके सिम्टम्स के हिसाब से जो मेडिसिन बताई है, अगर कोई भी सिम्टम आपका मैच करता है उस हिसाब से अगर ये मेडिसिन आप यूज़ करेंगे तो पहली ही डोज में आपकी प्रॉब्लम ठीक होगी, चाहे कितना भी पुराना आपको दर्द क्यों ना हो, क्योंकि ये आपके सिम्टम के हिसाब से मेडिसिन है। और कोई सिम्टम इसमें अगर इंक्लूड नहीं है, कोई दूसरी प्रॉब्लम है पेट से रिलेटेड, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके जो मेडिसिन है आपके हिसाब से, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, आपके सिम्टम के हिसाब से वो जान सकते हैं, तो उसके लिए आप एक मैसेज व्हाट्सएप नंबर पर हमारे कर सकते हैं।